एक बार की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में सरिता और उसकी बेटी राधा एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। बहुत समय पहले सरिता के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं था और सरिता प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए वह अपने हाथ के बने स्वादिष्ट प्याज के पराठे बेचा करती थी और किसी तरह सरिता और उसकी बेटी का गुजारा हो रहा था। राधा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वह खुद से पढ़ने की पूरी कोशिश करती थी। राधा बिटिया, पुदीने की चटनी रख ली है ना? तुम्हें पता है ना, सभी को प्याज के पराठे के साथ पुदीने की चटनी कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, कितनी ज्यादा शौक से खाते हैं। पुदीने की चटनी? सॉरी माँ, आपने मुझसे रात बोला था कि मुझे वह बनानी है, लेकिन मैं पुदीने की चटनी बनाना भूल गई। अब क्या लेकर जाएंगे? अगर पुदीने की चटनी नहीं लेकर गए तो कोई आपके प्याज के पराठे नहीं खरीदेगा। सॉरी माँ, माफ कर दो। हाँ, मैं सब जानती हूँ। अपनी किताबें रखना कभी नहीं भूलती, पढ़ना कभी नहीं भूलती, लेकिन मेरा काम करना जरूर भूल जाती हो। मुझे पता था कि तुमने चटनी नहीं बनाई, इसलिए मैंने रात बना कर रख दी थी। जाओ अंदर से उठा के लेकर आओ। बिटिया, इन किताबों में तुम घुसी रहती हो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। बेचोगी तुम मेरी तरह प्याज के पराठे ही, क्योंकि गरीबों की किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं होता। माँ, यह कहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ पढ़ाई का अधिकार अमीरों को ही है, गरीबों को नहीं? शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है। और देखना, एक दिन आपकी गरीब बेटी भी स्कूल पढ़ने जाएगी और कुछ बनकर दिखाएगी। मेरा सपना जरूर पूरा होगा, देखना माँ। यह बड़ी बड़ी बातें ना बिटिया, सपनों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत तुम भी जानती हो और मैं भी। चलो, देर हो रही है। राधा और उसकी माँ स्कूल के बाहर ही अपना प्याज के पराठे का ठेला लगाती थी। लंच में बच्चे प्याज के पराठे ही खरीदा करते थे और स्कूल की टीचर को भी सरिता के प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। आज स्कूल में एक नई टीचर आती हैं और वह सरिता के प्याज के पराठे के ठेले के पास जाती हैं और सरिता से कहती हैं, मुझे टीचर बता रही थी कि आपके प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, दो पराठे मुझे भी दे दो। और हाँ, पुदीने की चटनी देना मत भूलना। वह जरूर देना। मैडम जी, इस स्कूल में क्या आप नई हो? आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, मैं न्यू टीचर हूँ और घर से बिना नाश्ता करे ही आ गई। पहला दिन था ना, इसलिए देर ना हो जाए, जल्दी से पैक कर दो। और यह लड़की कौन है जो तुम्हारे पास बैठकर किताबें पढ़ रही है? वो मैडम जी मेरी ही बेटी है, पढ़ाई का बहुत शौक है, पढ़ाई का बुखार उतरता ही नहीं है। मैं कहती हूँ बेटा, मेरे साथ कामों में हाथ बटाया करो। ये पढ़ाई लिखाई हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं, यह पढ़ाई तो सिर्फ अमीर बच्चे ही करते हैं। लेकिन मेरी एक नहीं सुनती, कहती है माँ एक दिन मैं अफसर बनकर दिखाऊंगी, बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी को पढ़ने का शौक है और यह बड़े बड़े सपने देखती है, वरना आजकल के बच्चों को तो मार मार कर स्कूल भेजना पड़ता है। आप अपनी बेटी को स्कूल में क्यों नहीं भेजती? इसका एडमिशन कराओ। बेटा इधर आओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या सीखा। जानकी मैम राधा को अपने पास बुलाती हैं और उससे कुछ सवाल पूछती हैं, तो राधा उनके फटाफट जवाब दे देती है। यह देखकर जानकी मैम बहुत खुश होती हैं और वह सरिता से कहती हैं, आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, अभी तक स्कूल भी नहीं गई और इसने इतना कुछ सीख लिया। आपको इसका भविष्य अंधकार में नहीं डालना चाहिए, इसका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहिए, यह जरूर कुछ बड़ा कर दिखाएगी। अरे मैडम जी, मैं गरीब प्याज पराठे बेचने वाली इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन कहाँ करवा सकती हूँ? हमें तो दो समय का खाना मिल जाए, छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए, वही हमारे लिए बहुत होता है। मैं मेरी बेटी को पढ़ने नहीं भेज सकती, इसे जितना पढ़ना है खुद से ही पढ़ लेगी। देखो, ऐसे होशियार बच्चों को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाऊं। इसकी पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए। सच में मैम, आप सच कह रही हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। एक गरीब लड़की भी स्कूल में पढ़ने जा सकती है। देखो ना माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा सपना जरूर पूरा होगा। मैम,
मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊंगी, यूनिफॉर्म पहनूंगी, पढ़ाई करूंगी। माँ आप सुन रही है ना, मैं भी स्कूल में जाऊंगी, सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं भी स्कूल जाऊंगी। राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। बस फिर क्या था, अगले दिन राधा स्कूल आती है, उसका टेस्ट होता है। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए वह उस टेस्ट को पास कर देती है और उसका एडमिशन हो जाता है। जहां राधा इतनी ज्यादा खुश थी, वहीं राधा की क्लास की कुछ लड़कियां राधा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वह राधा को परेशान करने के लिए उसके पास आती है। तो वही है ना जो हमारे स्कूल के बाहर गरीब औरत प्याज के पराठे बनाती है और तू झूठे बर्तन साफ करती है। हमने तुझे बहुत बार झूठे बर्तन साफ करते हुए देखा है, फिर तू यहाँ हमारे स्कूल में क्या करने आई है? हाँ समझ गई, लगता है हम सबके टिफिन धोने आई है, क्योंकि इसका यही काम है ना। चल ठीक है, मेरा भी टिफिन अच्छी तरह साफ कर देना और हाँ इस रूम की भी सफाई कर देना, बहुत गंदा हो रहा है। नहीं नहीं, मैं यहाँ झूठे बर्तन साफ करने नहीं आई, मैं तो यहाँ तुम्हारी तरह पढ़ाई करने आई हूँ। मेरा भी इस स्कूल में एडमिशन हो गया है, अब मैं भी पढ़ाई करूँगी। क्या कहा क्या कहा, यह गरीब स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ेगी, हमारे बराबर में बैठेगी। तेरी औकात है हमारे बराबर में बैठने की? अगर तुम जैसे गरीब बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आने लगे तो फिर बात ही क्या है, तुझमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। यह स्कूल हम अमीर बच्चों का है, तुम जैसे गरीब बच्चों का नहीं। चल जा यहाँ से, अपनी माँ के साथ प्याज के पराठे बना और झूठे बर्तन साफ कर, जो तेरी औकात है। चल चल यहाँ से निकल, आए बड़ी हमारे साथ बैठकर पढ़ने वाली गरीब। देखो तो यार, इस गरीब स्टूडेंट की कितनी हिम्मत होगी, अब हम इस फटीचर के साथ पढ़ाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमारे स्टेटस का क्या होगा? ये प्याज पराठे बेचने वाली की बेटी, झूठे बर्तन साफ करने वाली हमारे साथ बैठेगी? इसकी औकात है हमारे साथ बैठने की? इसे क्लासरूम से बाहर निकालो। ऐसा कहकर क्लास की घमंडी और अमीर लड़कियां बेचारी राधा को बहुत परेशान करती हैं, उसकी सभी किताबें बैग से निकालकर फेंक देती हैं और उसे क्लास से बाहर धक्का दे देती हैं। बेचारी राधा रो रही थी और एक एक कर अपनी किताबें अपने बैग में रख रही थी कि तभी वहां पर जानकी मैम आ जाती हैं और वह राधा को रोते देख उससे कहती है, राधा यहां क्या कर रही हो, क्लास के अंदर क्यों नहीं हो, जाओ क्लास के अंदर जाकर बैठो। और ये तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? राधा पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन जानकी मैम के बहुत ज्यादा पूछने के बाद वह सब बता देती है कि क्लास में उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी जानकी मैम राधा को अपने साथ क्लास के अंदर लेकर जाती हैं और सभी बच्चों को डांट लगाती हैं। यह स्कूल है और यहाँ पर सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, सब एक बराबर हैं। यहाँ कोई बच्चा गरीब या अमीर नहीं है, सभी बच्चों ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी है और यहाँ सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, इसलिए यहाँ कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जाति नहीं देखी जाती, सब बच्चे एक बराबर हैं। आज के बाद मैं राधा का मजाक उड़ाता हुआ किसी को ना देखूं, और सिर्फ राधा का ही नहीं, आपस में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आई बात समझ में? जानकी मैम के सामने राधा का कोई भी बच्चा मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उनके जाने के बाद उसे परेशान करने लगते हैं, और सबसे ज्यादा नैना और सुनैना, क्योंकि राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वह कुछ ही समय में सब टीचर की फेवरेट स्टूडेंट बन चुकी थी। नैना और सुनैना यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगती हैं, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन्हें तब आता है जब क्लास टीचर नैना और सुनैना की जगह राधा को क्लास की मॉनिटर बना देती है। सभी बच्चे राधा के लिए क्लैपिंग करो, आपको पता है इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। कल जिस इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में राधा ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें यह फर्स्ट आई है। वेरी गुड राधा बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। और राधा आज से इस क्लास की मॉनिटर है, सभी बच्चों को राधा की बात माननी होगी, ठीक है? अरे यार नैना, क्या दिन आ गए, अब हम इस गरीब स्टूडेंट की बात मानेंगे? ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, हम अमीर स्टूडेंट और ये गरीब। जब से ये हमारे स्कूल में आई है, तब से हम दोनों बहन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पहले हम मॉनिटर बनते थे, लेकिन जब से राधा की बच्ची आई है, इसने हमारी जगह ले ली। और देखो कल कंपटीशन में भी हमें जाना था, लेकिन राधा की बच्ची गई। नैना यार कुछ सोच, कुछ तो करना होगा। इस राधा की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे कैसे कैसे, आइडिया। और ये काम हमारी मम्मी करेंगी। अब समझ में आ गया कि इसे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं।
घर जाने के बाद नैना और सुनैना अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी उनकी माँ कहती है, मेरी शहजादी बेटियों, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं उस प्यास पराठे वाली को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। उसकी गरीब बेटी मेरी बेटी को परेशान कर रही है, मेरी बेटियों से आगे बढ़ रही है। अब देखो, उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगी कि उसकी सात पुश्तें भी याद रखेंगी। इस तरह नैना और सुनैना की माँ भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी माँ को इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आने की खुशखबरी सुनाती है और उन्हें ट्रॉफी भी दिखाती है। यह देखो माँ, मेरी पहली ट्रॉफी। आपको पता है मैं इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। पूरी क्लास में जानकी मैम ने सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मैंने उनके भरोसे को टूटने नहीं दिया। आज उनकी वजह से मुझे ये ट्रॉफी मिली है। और माँ आप जानती हैं, मुझे क्लास की मॉनिटर भी बनाया गया है। एक गरीब स्टूडेंट प्याज पराठा बेचने वाली की बेटी क्लास की मॉनिटर बनी है। आप क्या कहती थी कि मैं आपकी तरह प्याज पराठा बेचूंगी, लेकिन बस कुछ दिन की बात और उसके बाद आपको मैं कुछ काम नहीं करने दूंगी, आपकी बेटी अफसर बनेगी। मेरी गुड़िया रानी, तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर और तुम्हें पढ़ाई में आगे जाता हुआ देखकर मुझे खुशी नहीं होगी तो किसे होगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। और जानकी मैडम का जितना ज्यादा धन्यवाद क्या जा सके उतना कम है। एक प्याज पराठे बेचने वाली की बेटी को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हैं। बेटा उनका एहसान कभी मत भूलना और बड़े होकर तुम भी अपने ही जैसे बच्चों की मदद करना। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। तभी नैना और सुनैना की माँ दरवाजे पर आती हैं। इतनी अमीर औरत को देखकर सरिता कहती है, जी आप कौन? जहाँ पर तुम प्याज पराठे का ठेला लगाती हो उसी स्कूल में मेरी बेटियाँ पढ़ती हैं। तुम्हारे प्याज के पराठे की बहुत तारीफ करती हैं। देखो कल मेरी एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ के प्याज के पराठे मेरी पार्टी में सभी मेहमान खाएं। इसलिए मैं तुम्हें 100 प्याज के पराठों का ऑर्डर देती हूँ। कल समय पर आ जाने चाहिए। ये रहा मेरा एड्रेस। इतना बड़ा ऑर्डर? मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर आप आधे पैसे एडवांस दे देती तो अच्छा रहता। प्याज भी इतनी ज़्यादा महंगी हैं, आटा तेल वो सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अगर आप पैसे दे देंगी तो अच्छा रहेगा। देखो मैं कैश अपने साथ नहीं रखती, कल तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। आज तुम उधार लेकर काम कर लो, ठीक है? सरिता बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। और राधा भी सरिता पैसे उधार लेकर प्याज आटा तेल सब कुछ लेकर आती है और 100 पराठे बनाकर तैयार कर देती है। 100 पराठे बनाने में राधा भी अपनी माँ की मदद करती है। और अगले दिन दोनों माँ बेटी वह पराठे लेकर उसी एड्रेस पर जाती है। तभी नैना और सुनैना की माँ कहती है, छी छी लेके जाओ ये सड़े हुए पराठे, ये पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सड़ी हुई प्याज के तुमने पराठे बनाए, मुझे ऐसे पराठे नहीं चाहिए। जाओ लेके जाओ इन्हें यहाँ से। आपने अभी मेरी माँ के प्याज के पराठे टेस्ट भी नहीं किए, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि सड़ी हुई प्याज के हैं? और आप इतना बड़ा ऑर्डर देकर मना नहीं कर सकती। आपको पता है मेरी माँ ने उधार पैसे लिए थे तब आपका ऑर्डर पूरा किया। आप हम गरीबों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपको ये पराठे लेने ही होंगे और हमें हमारे पैसे देने होंगे। लगता है तुम दोनों माँ बेटी ऐसे नहीं जाओगी, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी पुलिस को फोन कर बुलाती हूँ। जबरदस्ती अपने प्याज के पराठे हमारे घर पर देकर जाना चाहती हो? हमें नहीं चाहिए, जाओ लेकर जाओ इन्हें यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। देख सुनैना यह गरीब स्टूडेंट कैसे रो रही है, मम्मी के सामने कैसे गिड़गिड़ा रही है। इसे अच्छा सबक सिखाया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बनती थी ना, दोनों माँ बेटे की हालत देखकर बड़ा ही मजा आ रहा है। सरिता और राधा बेचारी दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं कि वह उधार के पैसे कैसे चुकाएंगी और इतने सारे पराठे बेकार जाएंगे। सरिता यह सोचकर बहुत परेशान हो रही थी और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब राधा और भी ज्यादा परेशान थी। वह अपनी पढ़ाई करे, अपनी माँ को संभाले या फिर इतना बड़ा नुकसान भरे। और अब उसे स्कूल गए हुए एक हफ्ता हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना और सुनैना बहुत खुश हो रही थी कि अब राधा अपनी माँ की जगह प्याज के पराठे बेच रही है। तभी जानकी मैम राधा के पास आती है और उससे कहती हैं, राधा तुम एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही हो, क्या हुआ और तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम प्याज के पराठे क्यों बेच रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैम मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि आपने एक गरीब लड़की को पढ़ने का मौका दिया, लेकिन शायद अब मैं कभी स्कूल नहीं आ पाऊंगी। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, घर का गुजारा करने के लिए भी पैसों की बहुत जरूरत है। इसलिए मुझे यह काम करना होगा।
एक अमीर और घमंडी औरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से माँ चारपाई से उठ ही नहीं रही। राधा बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम पढ़ाई करना मत छोड़ो, स्कूल आना मत छोड़ो। तुम ये भी काम कर सकती हो, अपनी माँ की मदद भी कर सकती हो। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट को जानती हूँ, उसे तुम्हारे प्याज के पराठे बहुत पसंद आएंगे। पढ़ाई के साथ साथ तुम उसके लिए प्याज के पराठे बना सकती हो। मैम, आप कितनी अच्छी हैं, हर बार हम गरीबों के काम आ जाती हैं। मैं आप जैसी अच्छी इंसान जरूर बनूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। राधा बहुत खुश होती है और अब वह स्कूल आना शुरू कर देती है। दोबारा से मन लगाकर पढ़ाई करती है और रेस्टोरेंट के लिए प्याज के पराठे भी बनाती है। और कुछ ही दिन में सरिता भी ठीक हो जाती है। राधा को स्कूल में देखकर दोनों बहनें और भी ज्यादा गुस्से में रहने लगती हैं और बस अब वह प्लान ही बनाती रहती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, जिस वजह से वह फेल हो जाती हैं और राधा पूरे स्कूल में टॉप करती है। उसकी मेहनत और लगन रंग लेकर आ रही थी और नैना और सुनैना जलन में अपना ही नुकसान कर रही थी, अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और एक दिन गरीब स्टूडेंट प्याज पराठे बेचने वाली की बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाती है और पूरे स्कूल जानकी मैम और उसकी माँ को राधा पर बहुत गर्व महसूस होता है।